सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्टमैन ब्लॉग्स ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज जैसे कि देख पा रहे हैं, ये टियागो की जो न्यू मॉडल है अभी लॉन्च हो चुकी है, 2022 की ये गाड़ी है। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू टाटा टियागो के बारे में और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो गाड़ी में आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी पसंदीदा कलर बन चुकी है। नई कलर यहाँ पर लॉन्च की है टाटा की तरफ से, जो कि जो कलर का जो नाम है वो है प्लम, यानी कि टाटा टियागो भी प्लम कलर में आपको मिलने वाली है। और जो सबसे खास बात इस कलर की, मैं आपको बता दूं, इसको अगर आप रात के टाइम में देखेंगे ना, तो आपको जो है ब्लैक शेड आपको नज़र आने वाली है, जैसे कि आपको लगेगी कि भाई गाड़ी जो है ब्लैक कलर में है। जब इसको आप बाहर लेके जाएंगे, यानी कि सनलाइट में लेके जाएंगे ना, तो आपको ये जो गाड़ी है वो पर्पल कलर की नज़र आने वाली है। ये जो है सबसे खास बात है इस कलर की। तो भाई, आज पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है टाटा टियागो के बारे में, जो नई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या कुछ फीचर्स में चेंजेस किया गया है इस गाड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई, पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगी इसके फ्रंट फेशिया में। तो भाई देख लीजिए, गाड़ी जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अभी नज़र आने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जा रहा है अभी प्रोजेक्टर की हेडलैम्प, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, पहले ये नहीं था गाड़ी में, अभी वो भी कंपनी यहाँ पर दे दिया है। तो प्रोजेक्टर आपको यहाँ पर हेडलैम्प मिल जा रहा है, रिफ्लेक्टर बेस यहाँ पर आपको, इसका जो हाई बीम है ये लो बीम है, ये हाई बीम में है, बाकी रस का इंडिकेटर का सेक्शन ये आपको हेलोजन मिल रहा है। बाकी ग्रिल अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्राई एरो डिजाइन का जो है पैटर्न देखने को मिलेगी, वो भी आपको क्रोम के इंसर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, ताकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगे। टाटा का एक बड़ा सा लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है, बोल्ड क्रोम का जो ट्रीटमेंट भी यहाँ पर आपको दिया गया है, ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हेडलाइट के ऊपर भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर, यानी कि स्मोकी यहाँ पर ब्लैक कलर का पैटर्न, प्लस आपको यहाँ पर क्रोम का जो डुअल आपको यहाँ पे पैटर्न मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाली लुक देती है फ्रंट से। और अगर नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है DRL। जी हाँ दोस्तों, अभी इस गाड़ी में आपको DRL का ऑप्शन भी मिल जाता है, और ये रहा इसका फॉग लैम्प। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो गाड़ी है टाटा टियागो की, ये है टॉप एंड मॉडल XZ+, जिसमें आपको सारा कुछ जो है फीचर आपको मिलने वाली है। तो भाई, ये रहा इसका फ्रंट फेशिया, जैसे कि देख पा रहे हैं, और इसका जो हेडलाइट भी मैं ऑन करके आपको दिखा दूँ कि गाड़ी कैसी दिखती है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो भाई, ये रहा इसका टियागो की साइड प्रोफाइल, आपको इधर से दिखा दूं वरना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा ठीक से। तो भाई, ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, जैसे कि देख पा रहे हैं, साइड से भी नो डाउट लेकर अभी तक स्पोर्टी वाली फील आपको आने वाली है। और इसका जो अलॉय यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, ये आपको डुअल टोन में आपको मिल रहा है, और टायर का जो साइज है वो आ जाता है 175/60, 15 इंच का आपको यहाँ पे अलॉय दी जा रही है टाटा टियागो में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, ठीक है ना। अगर ऊपर देखेंगे तो आप, तो ये रहा इसका ओवर बीम ग्लॉसी ब्लैक कलर में विथ टर्निंग इंडिकेटर, और ये ऑटो फोल्डेबल के साथ आपको मिलेगा। साथ में आपको जो और एक चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर डोर हैंडल है, यहाँ पर भी आपको क्रोम का जो है पैटर्न आपको मिल जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर दी जा रही है अभी नई टियागो में। और भाई, जो गाड़ी है ये पूरी डिलीवरी का रेडी हो चुकी है, जैसे कि देख पा रहे रिबन वगैरह लगा हुआ है, तो गाड़ी आज ही निकल जाएगी, तो उससे पहले हम वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक चेंज आपको देखने को मिलेगा न्यू टाटा टियागो में। ये रहा इसका फ्यूल टैंक, ओके। बाकी इसका जो बी पिलर है वो आपको ब्लैक आउट में आपको मिलता है। पीछे की अगर मैं बात करता हूँ, तो देख लीजिए भाई, इसका जो पीछे का प्रोफाइल, तो यहाँ पे भी आपको एक जो है क्रोम का गार्निशिंग आपको नज़र आने वाली है, काफ़ी बोल्ड क्रोम आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये भी सारा कुछ जो है कंपनी से मिलता है भाई, ऐसा कुछ नहीं जो गाड़ी में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो नई टियागो में ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। बाकी ये रहा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, और जैसे कि भाई टाटा ने अपने टॉप एंड मॉडल में सेंसर्स को हटा दिया है, तो भाई कोई भी सेंसर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ओके। और आपको यहाँ पर बॉडी कलर के बम्पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने से पीछे भी, और आपको इतना बिजी भी नहीं लगेगा, काफ़ी सिंपल रखा गया है टाटा टियागो को।
टाटा का यहाँ पे आपको मिल जाता है लोगो, बड़ा सा लोगो मिल जाता है। यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाता है टाटा टियागो लिखा। ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे रियर वाइपर, डीफ होगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और छोटा सा जो है आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर आपको नजर आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल भाई। यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से थोड़ा सा लाइट अच्छा गिर रहा है। ओके, तो मैं अब इसका जो बैकलाइट उसको भी ऑन करके आपको दिखा दूँ कि पीछे से गाड़ी कैसी दिखती है। तो ये होगी सारी बातें एक्सटीरियर की। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं भाई अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और क्या कुछ नया है क्या, ठीक है। तो चलिए गाड़ी के अंदर देखते हैं। तो भाई देख लीजिए, ऐसा कुछ की आपको देखने को मिलेगा टाटा टियागो में। फ्लिप की आपको देखने को मिलेगी जैसे कि देख पा रहे हैं। डोर लॉक अनलॉक, ये है इसका फॉलो मी होम का जो है लाइट। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो भाई देख लीजिए, ठीक है। तो भाई चलिए गाड़ी के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। तो भाई देख लीजिए, ये है टाटा टियागो का, आई मीन न्यू टियागो का इंटीरियर जैसे कि देख पा रहे हैं। उधर से भी आपको एक बार दिखा दूं, इधर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। तो भाई यहाँ से देख लीजिए इसका इंटीरियर। तो भाई बाहर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीमियम नज़र आती है और अंदर से भी जो है इसको काफ़ी तक प्रीमियम बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैक एंड बेज कलर में इसका जो है डैशबोर्ड का सेक्शन। जैसे कि आपको डिजायर में मिलती है वैसे ही आपको यहाँ पे जो प्रीमियमनेस है वो आपको दिखने वाली है अभी न्यू टियागो में। ओके, तो चलिए भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है इसके डोर पैनल में। तो भाई उधर देखते हैं ड्राइवर से डोर पैनल में। तो भाई यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ड्राइवर से डोर पैनल में आपको यहाँ पे जो पावर विंडो के स्विचेस हो गया, की को यहाँ पे रख देते हैं, पावर विंडो के स्विचेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये रहा इसका, यहाँ पे आपको मिल जाता है बोटो होल्डर, मतलब हाफ लीटर का आपको यहाँ पे बोटो होल्डर आपको मिल जाएगा। और छोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं और की भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। तो चलिए भाई गाड़ी के अंदर बैठ कर देखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिलता है। ये रहा भाई, तो चलिए अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो भाई अभी आ गए हैं गाड़ी के अंदर और इसको भाई खोल देते हैं वरना लाइट ठीक से नहीं गिर रहा है। अभी ठीक है, ओके अभी ठीक है। तो भाई अभी आ गए हैं टाटा टियागो के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो डैशबोर्ड के बारे में तो आपको बता दिया, और यहाँ पे जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आपको नज़र आने वाली है। तो जब आप इसको आप टच करेंगे तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पे जो सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है इसके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्लॉट टाइप का दिया गया है जैसे कि मूर्ति पर रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और भाई की कहाँ गया, ये रहा भाई की। तो भाई अभी की इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं भाई। पहले क्लस्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मिलता है टियागो में फुली डिजिटल क्लस्टर, वैसे ही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और जैसे कि ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह और फ्यूल एवरेज वगैरह जैसे कि देख पा रहे हैं, सारा कुछ जो है डिजिटल आपको मिलने वाली है। और एक बार आपको ऑन करके दिखा दूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका सेटिंग का बटन दिया गया है, बटन नहीं है स्टार्ट टाइप का आपको मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ट्रिप है, ट्रिप भी हो गया, एवरेज वगैरह आप देख सकते हैं, कितना क्या आउटसाइड टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, और इस साइड में एक तो दिया है, इस साइड में देखते हैं क्या होता है भाई। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद टाइम वाइम सेट करने के लिए दिया होगा। तो ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है इसका क्लस्टर। और ये रहा इसका भाई 7 इंच की टच स्क्रीन, जैसे कि आपको टियागो में मिलता है वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर आपको मिलने वाली है, विथ वॉइस कमांड और स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल का फीचर मिलता है। यहाँ पे भी आपको वॉइस कमांड का जो है देख सकते हैं बटन, ऑडियो के सारे कंट्रोल्स हो गया, सारा कुछ आपको मिलेगा। और ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये आपको टिल्ट फंक्शन के साथ आपको मिलेगी इस गाड़ी में। तो जैसे कि हम बात करते हैं टच स्क्रीन की, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं इसका टच स्क्रीन, इसका जो रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी आपको ठीक ठाक ही मिलेगा जैसे कि देख पा रहे हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB फ़ोन, ब्लूटूथ ऑडियो, रेडियो वगैरह सब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऑडियो सेटअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह डाल सकते हैं। और पार्किंग असिस्ट जैसे कि यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, तो पार्क असिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ़ोन सेटअप वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इसका टच स्क्रीन।
और एसी वेंट देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं और आपको एसी वेंट के ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम की ट्रीटमेंट आपको नजर आने वाली है। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी एंड क्रोम दोनों का आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट नजर आने वाली है इसके एसी वेंट के ऊपर साइड में। और यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी का यूनिट जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके टच स्क्रीन में जैसे कि देख पा रहे हैं ना क्लाइमेट ऑफ। अभी अगर मैं एसी ऑन करता हूँ ना तब देख लीजिए एसी ऑन, ठीक है ना। तो इसका भी जो आप डिस्प्ले है जो मतलब जानकारी है वो इसके टच स्क्रीन में आपको मिल जाएगा एसी का जो है। तो ये हो गया इसका क्लाइमेट कंट्रोल एसी का यूनिट। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जैसे कि मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे रखा है स्पेस। और उसके ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट मिलता है, मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का। और ये रहा इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर। ये गाड़ी में आपको 5 गियर मिल जाते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा भाई टियागो में। और इसका अगर इंजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.2 लीटर की रेवर्टन V6 इंजन जो कि पावर निकालती है 86 PS की और 113 Nm का इसका टॉर्क है। ये गाड़ी आपको मैनुअल में भी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे भी आपको कप होल्डर आपको मिल जाता है जैसे कि देख पा रहे हैं। बाकी ये तो रहा हैंड ब्रेक। और यहाँ पे भी आप एक दिया गया है डमी टाइप का, तो यहाँ पे भी आप शायद मोबाइल चार्जिंग सॉकेट लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए भी यहाँ पे है दिया गया है। अभी बात करते हैं इसके सीट की, तो भाई देख लीजिए ट्राई एरो डिजाइन का जो पैटर्न है वो भी आपको नज़र आने वाली इसकी सीट के ऊपर। सीट नो डाउटली भाई फैब्रिक का सीट आपको मिलता है मैं मानता हूँ, लेकिन जो कंफर्टेबल है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा टाटा टियागो में। जिनके पास टियागो है उन लोगों को तो पता ही होगा जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है। साइड सपोर्ट थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। मेरा जो हाइट है 6 फुट के ऊपर लेकिन 6 फुट के ऊपर लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे थाई सपोर्ट मुझे कम मिलता है, लेकिन अगर आपका हाइट जो है 5 फुट 8 इंच है 9 इंच है ना तो आपको थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी लेकिन मुझे साइड सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है मेरा हाइट और हेल्थ के हिसाब से, इतना जो मिल रहा है ना वो काफ़ी मुझे लग रहा है। छोटी गाड़ी मतलब हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी लेकिन इतना कम्फर्ट जो मिल रहा है ना वो काफ़ी सही है इस गाड़ी में। अब इसको बंद कर देते हैं। जैसे कि मैं स्टेयरिंग व्हील की बात कर रहा था यहाँ पे आपको बता दिया स्टेयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल का फीचर मिलता है, टिल्ट फंक्शन आपको मिलेगा। बाकी लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स, ये रहा इसका वाशर वाइपर का कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा इसका आयर बीएम जो कि आपको मैनुअल मिलता है और वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे तो नहीं होगा, बस यहाँ पे तो नहीं है, ओके। और रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, वो आपको सेंटर में मिलता है LED में जैसे कि देख पा रहे हैं। और जो चेंजेस की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके डैशबोर्ड में, डुअल टोन में आप जैसे कि देख पा रहे हैं बेज कलर में। और इसका जो ग्लो बॉक्स मैं आपको दिखा दूं भाई, तो काफ़ी सॉफ्टली जो है खुलता है, ज़्यादा डीप तो नहीं है लेकिन जो वाइड है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है ना। आप इसको बंद कर देते हैं। तो भाई ये होगी सारी बातें फ्रंट रो की। हाँ स्पीकर की बात करूँ भाई, तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 4 ट्विटर्स आपको देखने को मिलेंगी। फ्रंट में आपको यहाँ पे ए पिलर में दिया गया ट्विटर का प्लेसिंग यहाँ पे मिल जाता है और डोर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है भाई टाटा की एंट्री लेवल कार में भी आपको यहाँ पे हरमन के जो है म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, तो साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है टाटा की गाड़ियों में। तो यहाँ पे भी सेम आपको अगर आप टियागो भी लेते हैं तो आपको यहाँ पे हरमन के जो है म्यूजिक सिस्टम मिलने वाली है। तो भाई ये होगी सारी बातें, अभी चलिए चलते हैं इसके सेकेंड रो में। तो बैग को मैं आगे रख देता हूँ। तो भाई ये हो गया इसका सेकेंड रो वाला, भी ओपन कर देते हैं वरना लाइट कम आती है ना यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा अंधेरा लग रहा है अभी, ठीक है। तो भाई ये हो गया इसका सेकेंड रो, जैसे कि देख पा रहे हैं भाई यहाँ पे सीट के ऊपर टायर का डिज़ाइन आपको मिलेगा। डोर पैनल देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्विटर का प्लेसिंग मिल जाता है, पावर ऑन का स्विच, यहाँ पे आपको जो डोर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच में देखने को मिलेगा। बाकी चलिए बैठ के देखते हैं गाड़ी अंदर से कितनी कम्फर्टेबल है। तो भाई इधर आ जाते हैं क्योंकि ड्राइवर सीट जो है मैंने एडजस्ट किया था अपने हिसाब से, तो इधर बैठते हैं। तो भाई ड्राइवर सीट मैंने जैसे अपने हिसाब से एडजस्ट किया था और उसके पीछे ही मैं बैठा हूँ। तो भाई देख लीजिए जो कम्फर्टेबल है भाई, गाड़ी छोटी है मैं मानता हूँ हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे कम्फर्टेबल आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जैसे कि मेरे हाइट के हिसाब से देख पा रहे हैं भाई, नी रूम, लेग रूम और जो है हेड रूम, मैं देख लीजिए हेड रूम, ठीक है ना। थाई सपोर्ट कम मिल रहा है मेरे हाइट के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे जो हाइट है वो 6 फुट के ऊपर है। बाकी इसका जो हेडरेस्ट है वो आपको इंटीग्रेटेड आपको मिलता है, जैसे कि देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। और आगे का आपको मिलता है एडजस्टेबल, ओके। ये सारा कुछ जो है पूरा कवर अप है क्योंकि गाड़ी जो डिलीवरी होने वाली है, तो कुछ भी यहाँ से हटाया नहीं गया है,
काफ़ी अच्छी बात है। और ये हो गया पीछे से डैशबोर्ड का कुछ लुक जैसे कि देख पा रहे हैं। बाकी स्पीकर का प्लेसिंग देख सकते हैं, ट्विटर का तो मैंने आपको दिखा दिया था प्लेसिंग, पावर विंडो का दिखा दिया था। बाकी यहाँ पे बोटल आपको मिल जाता है 1 लीटर का, आगे आपको मिलता है आधा लीटर का, और पीछे आपको मिलेगा 1 लीटर का बोटल होल्डर। और पीछे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है छोटा मोटा सामान, जैसे कि चाबी वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हैं आगे बैठ के, या फिर कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं यहाँ पे। और पीछे एसीवेंट नहीं दिया गया, अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि गाड़ी छोटी है। तो भाई यही जैसे कि देख पा रहे हैं पीछे का जो कम्फर्टेबल लेवल और ग्रैब हैंडल जैसे कि देख पा रहे हैं, तो भाई इतना तो है, अभी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, बाहर आके बात करते हैं आपसे। तो अभी गाड़ी भगते हैं बंद, अभी ठीक है भाई। साउंड सुन के तो आपको पता चल गया होगा कि बिल्ड क्वालिटी कैसा क्या है, 4-star रेटिंग लेकर आई है गाड़ी टाटा टियागो। तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भाई, देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट गिर रहा है ना, ये हल्का आपको जो है, ये हल्का जो है आपको यहाँ पे पर्पल नज़र आने वाली है। ठीक है, जैसे नज़र आ रही है अभी, जब भी आप इसको रात में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई ये गाड़ी जो है पूरी ब्लैक कलर की है, ये जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो अभी देख लेते हैं इसका जो बूट स्पेस है, मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखा दूँ। यहाँ पे की इंसर्ट करना पड़ेगा इसको बूट, इसका बूट ओपन करने के लिए। तो 242 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, ओके। 242 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये रहा इसका पार्सल ट्रे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील। तो अभी करते हैं इसको बंद। तो भाई अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग्स आपको मिल जाता है, और बाकी जो सेफ्टी फीचर्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्या क्या आपको मिलता है इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स। तो अभी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो भाई ये है टॉप एंड मॉडल XZ प्लस पेट्रोल मैनुअल। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है राउरकेला की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 770,000, यानी कि 770,000 की ये गाड़ी है। मतलब सारा कुछ इंक्लूड है यहाँ पे, एक्सटेंड वारंटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो आपको जो है राउरकेला में ये गाड़ी 770,000 में मिल जाएगी। और इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर कोई ये गाड़ी को लेना चाहता है या फिर बुक करना चाहता है तो भाई इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम खड़े हैं बलराम मोटर्स राउरकेला में, जैसे कि ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं, ओके। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, टाटा टियागो की जो न्यू मॉडल लॉन्च हुई है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये गाड़ी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।